हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक सेपरेट एस्थेटिक जनरल नॉलेज का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज जो हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो है डडूमिया के ऊपर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं। कोई एमसीक्यूज, ये भी वही एमसीक्यूज होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज जो भी हमारे एस्थेटिक जनरल नॉलेज के, ये किसी ना किसी टेस्ट में आते रहते हैं और आएंगे भी इन नियर फ्यूचर। तो इनको याद करना ही अच्छी बात है, ताकि जब हम लोग टेस्ट में तुम लोग अपीयर होते हो, तो वहाँ पर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन इनसे मिस ना हो। इसलिए एक दो बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से, ये एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन दद्दू मियां वाज बॉर्न, दद्दू मियां कब पैदा हुए थे। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन है 1817 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1819 में, ऑप्शन डी 1820 में। तो दद्दू मियां जो पैदा हुए थे वो 1819 में पैदा हुए थे, 1819 में। आप करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1819 में दद्दू मियां पैदा हुए थे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फादर ऑफ दद्दू मियां, दद्दू मियां का फादर कौन था। ओके, तो ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी दाबू मियां, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी डन ऑफ दिस। तो आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दद्दू मियां का जो फादर था वो था हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह वाज फादर ऑफ दद्दू मियां। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दद्दू मियां पैदा कब हुए थे, 1819 में। और आप लोग अगर रटा लगा लें इस चीज़ को, फरेजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, एक साल पहले से 1818 में फरेजी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो उसके एक साल बाद ही दद्दू मियां पैदा हुए थे हाजी शरीयतुल्लाह के घर। ओके, तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो फादर है दद्दू मियां के। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। रिलीजियस मूवमेंट, ये एक रिलीजियस फरेजाई मूवमेंट, एक रिलीजियस मूवमेंट थी। वाट चेंज दद्दू मियां ब्रॉट इन द मूवमेंट, दद्दू मियां में उसने कौन सी तब्दीलियां लाई थी। ऑप्शन ए ट्रांसफर इट इनटू अ गोरिला मूवमेंट, ऑप्शन बी ट्रांसफर इट इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ऑप्शन सी ट्रांसफर इट इनटू अ कल्चरल मूवमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो दद्दू मियां ने फरेजाई मूवमेंट में जो तब्दीलियां लाई थी, जो तब्दीली उसने उसने इम्पोर्टेंट अहम तब्दीली लाई थी, वो थी उसने ट्रांसफर किया था इट इनटू अ गोरिला मूवमेंट। गोरिला मूवमेंट में इसने ट्रांसफर किया था उसको। अब गोरिला मूवमेंट का क्या मतलब होता है, गोरिला वार का क्या मतलब होता है। ओके, जिस तरह कोई भी लोग हो, एक खित्ते के लोग हो, वो स्टेट के अगेंस्ट लड़ें, उसको हम गोरिला वार कहते हैं। ओके, या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग करें, जिस तरह से यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जिनकी भी हुकूमत थी, इन लोगों ने उनके अगेंस्ट एक जिहाद, एक वार डिक्लेयर की हुई थी। ओके, फॉर देयर वन पर्पज, तो हम उसको बोलते हैं गोरिला मूवमेंट। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफर इट इन टू अ गोरिला मूवमेंट। He was leader of it. ये पूछ रहा है कि उसका दद्दू मियां लीडर कौन सा लीडर था। ऑप्शन ए मिलिटेंट लीडर, ऑप्शन बी अ पॉलिटिकल लीडर, ऑप्शन सी सोशल वर्कर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दद्दू मियां जो थे वो थे, जिस तरह से हम देखते हैं पहले ही हम लोगों के शरे फरेजी मूवमेंट जो थी वो एक जहाद, एक वार के हिसाब से स्टार्ट हुई थी, और इसने उसको गोरिला में चेंज किया था। तो डेफिनेटली बात है, ये एक फाइटर मूवमेंट थी, तो ये एक फाइटर लीडर हुए। तो दद्दू मियां जो थे वो एक मिलिटेंट लीडर थे। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। व्हेन दद्दू मियां डाइड, कब दद्दू मियां वफात पा गए। ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दद्दू मियां जो दुनिया से रुखसत हुए थे वो हुए थे 1862 में। ओके, 62, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, दद्दू मियां 1862 में दुनिया से रुखसत हो गए थे।